हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, बिजनेस सर्विस पार्ट 1। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि बिजनेस इज वन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन बिजनेस सर्विस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज इन द इकोनॉमी। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस आर इंक्रीजिंग in an economy. There is a rise in the facilities and convenience due to services like banking, insurance, postal, storage and transportation, etc. These services are just not helpful in business as a part of commerce, but they extended to facilitate industries, agricultural and other business activities. Ye services jo hai is not just helpful in business as a part of commerce, but they extend to facilitate industries, agricultural and other business activities. Services like banking, insurance, postal, storage and services and transportation have undergone so much of change that they just do not only work as business services but also as social and family रिलेटेड सर्विसेज। ये जो सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही है, ये दे जस्ट डू नॉट ओनली वर्क एज बिजनेस सर्विसेज, ये बिजनेस सर्विस में ही वर्क नहीं करती है, लेकिन ये हमारे सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विस में भी काम करती है। इन मॉडर्न एज देर आर वेराइटीज एंड स्पेशलिटीज सीन इन सच सर्विसेज। ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम नेचुरली interdependent. Now first is insurance. Now what is the meaning of insurance? Insurance is a type of services. Insurance refers to that written contract or agreement between two parties through which the insuree pays premium and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss. Insurance क्या है? एक ऐसा contract है या agreement है जो दो party के बीच में होता है, written contract है, जिसमें insuree जो है वो premium pay करता है and insurer जो है बीमा देने वाला और बीमा लेने वाला अगेंस्ट अंडरटेकिंग प्रीमियम के सामने इंश्योरर से अंडरटेकिंग लेता है दैट ही विल बी कॉम्पेंसेटेड, जो भी उसका रिस्क कवर्ड किया है और जो अमाउंट डिसाइड किया है वो फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पेंसेट करके देगा। जो भी हमारा उस टाइप का नुकसान अगर हो सकता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल लाइबल टू पे। Insurance contract in a written form is known as insurance policy. जो भी written में contract होता है, जो form, उसको हम insurance policy बोलते हैं। Insurance does not remove the risk involved, but it compensates for the financial loss caused by that risk. जिसकी वजह से हमें loss हो रहा है, अगर वो covered हुआ है, तो वो financial loss को कॉम्पेंसेट करके देता है। नाउ विच आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस? द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। सो इंश्योरेंस इज नॉट ए सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस अपार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल। ये इनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है एक्चुअली, दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। सो इंश्योरेंस इज नॉट ए सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट बट इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है and cannot be related to law of contract, or law of contract related भी नहीं है।
तो ये क्या है? इट्स ए स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस अपार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा उसके प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल. नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. इसमें प्रॉफिट कमाना नहीं है. इट इज ओनली टू हैव कॉम्पेंसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस. ये जो भी है वो फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पेंसेट करने का कॉन्ट्रैक्ट है. द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज ए सोशल कंसेप्ट. एज सच द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव म्यूचुअल एंड कंप्लीटेड फेथ. इसमें म्यूचुअल और कंप्लीट फेथ होना जरूरी है. While entering into a contract, both the parties should provide all information required regarding the insurance product. जो भी product के लिए दोनों party को सारी information provide करना ज़रूरी है. जब भी contract sign करते कभी contract बनाते हैं तब. While taking an insurance policy, जब भी हम insurance policy लेते, even if the information is not asked by either parties, both should provide it. If it is felt that it can have an impact on the contract, कुछ बातें अगर policy में किसी ने पूछा नहीं लेकिन बताना ज़रूरी होता है. अगर हमने उस इन्फॉर्मेशन देना चूक गए, इनका असर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता है. एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अमाउंट्स टू फ्रॉड एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. वेरेवर इट कम्स टू बी नोन द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रोकन. अगर ये प्रिंसिपल सिद्धांत गुड फेथ का टूट गया, द इंश्योरेंस एग्रीमेंट और पॉलिसी स्टैंड्स नल एंड वॉइड एंड द इंश्योरी कैन नॉट गेट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड एंड ही लॉसेस द राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क. अगर ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नल या वॉइड हो गया, सो इंश्योरी कैन नॉट गेट बैक द प्रीमियम. जो भी उसने प्रीमियम भरा है ऑलरेडी पेड, वो वापस नहीं मिलेगा. एंड ही लूजेज द राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क. और वो रिस्क का कॉम्पेंसेशन का उसका राइट गंवा चुकेगा. सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस incurred by the insuree. So the main objective of insurance is the principle of indemnity. This principle is used to decide how much the insurance company will have to pay to the insuree in the event of loss incurred. Any person who takes an insurance policy can get only compensation for the loss and he cannot earn profit. उसका जितना लॉस हुआ है वही कॉम्पेंसेट करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा. इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द लॉस इनकर. ओवर एंड अबव जो भी लॉस होगा इनकर हुआ उससे एडिशनल अमाउंट नहीं ले सकता. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस. ये लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है. If an insuree takes a policy for a period at a lower value than the original value, it is implied that he will proportionately get a lesser amount and a part of the loss will have to be borne by him. For example, अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की लिया लेकिन उसका ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, then the event of complete loss of the product, जब ये 5 लाख का पूरा अगर लॉस हो रहा है तो इंश्योरी विल गेट मैक्सिमम ऑफ 3 लाख. जो उसने 3 लाख का पॉलिसी लिया है तो उसको 3 लाख का ही पैसा मिलेगा, 5 लाख का पूरा लॉस उसको नहीं मिल पाएगा.
When the value of product is 5 lakhs, but the insurer has insured it only for 3 lakhs, and if the product is partially damaged, which is estimated at rupees 2 lakh, the insurer will get only 1,20,000 as compensation, as it is the proportionate amount of 3 lakhs, which is the insured amount. अगर उन्होंने 3 लाख की पॉलिसी लिया 5 लाख के सामने, और अगर उसका प्रोडक्ट पार्शियली डैमेज हुआ, उसको पूरा लॉस नहीं हो रहा है, और अप्रोक्सीमेट उसका एस्टिमेट कॉस्ट 2 लाख का है, तो उसको पूरा 2 लाख नहीं मिलेगा, उसके सामने प्रोपोर्शनेट कॉम्पेंसेट मिलेगा. When the value of the product is 5 lakh and it is insured for the full amount of 5 lakh and in the event of complete damage to the product, अगर 5 lakh का value है और उसने 5 lakh का insurance policy पूरा लिया है, और अगर उसको damage हो जाता है पूरा, तो he will pay the full amount of 5 lakh to the insurer. Third is principle of insurable interest. The insurer must have financial interest in the product insured. For example, the owner of the house has financial interest in a house, while a tenant of the house does not have financial interest. Insurable interest, जो चीज़ का insurance निकाल रहा है उस product में financial interest क्या है, वही देख के insurance निकाला जाता है. Fourth is principle of subrogation. When a policy is taken for an insurable product, and if it is fully damaged, and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product's ownership will be with the insurance company. This principle is not applicable in case of life insurance. Life insurance mein ye principle applicable nahi hai. Lekin ye principle what says ki jab aapne, for example, 5 lakh ki policy liya hai, और आपका 5 लाख का डैमेज हो गया और आपको पूरा कॉम्पेंसेशन मिल गया, तो उनकी जो ओनरशिप है प्रोडक्ट जो डैमेज हुआ, वो आपसे लेके इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप हो जाती है. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. दैट इज़ द पावर ऑफ या एबिलिटी ऑफ दैट डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप. So here we stop our lecture. Next lecture we will continue the type of insurance, various type of insurance, life insurance and general insurance. We will see detail next time. Thanks.